गेहूं में फिलहाल तेजी थमती दिखाई दे रही है। सरकार ने मई में गेहूं के निर्यात पर दरअसल प्रतिबंध लगा दिया था। बीते दिनों नियमों में संशोधन कर आटा, रवा और मैदा के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के इन कदमों से फिलहाल बाजार में गेहूं के दामों में किसी तरह की नरमी नहीं दिख रही। निर्यात प्रतिबंध का असर ये जरूर देखने को मिला है कि बाजार फिलहाल के लिए स्थिर हो गए हैं। इंदौर मंडी में बीते दिनों में गेहूं की आवक 3 से 3.5 हजार बोरी के आसपास है। दलाल एसोसिएशन के अनुसार निर्यात प्रतिबंध का असर सिर्फ इतना देखा जा रहा है कि गेहूं की तेजी पर ब्रेक लग गया है। दरअसल पहले आशंका जताई जा रही थी कि मिल क्वालिटी गेहूं आगे जाकर 3,000 के स्तर को छू लेगा, लेकिन अब वो स्थिति नहीं बनेगी। हालांकि कोई ऐसी उम्मीद करे कि गेहूं के दाम कम होंगे तो वो भी संभावना न के बराबर है। दरअसल इस वर्ष देश में गेहूं का स्टॉक कमजोर है। वहीं कारोबारियों का कहना है कि त्योहारी बिक्री का जोर जो अपेक्षित था वो भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। आटा, रवा और मैदा के साथ बेसन के दाम भी कमजोर हैं। 30 से 50 रुपए प्रति कट्टे की नरमी देखने को मिली है। बेसन में भी 100 रुपए की गिरावट बीते दिनों दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि माह का अंत होने के कारण नकदी निकिलत से ग्राहकी रुकी हुई है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में एक बार फिर से मांग उठ सकती है और कीमतों में एक बार फिर से तेजी बनती दिखाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।